92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आयुष तिवारी की लिखी कहानी छोटी सी कहानी बिना किसी एड ब्रेक के। बारिश। गर्मियों के बाद जब भी बूंदें पायल पहने मीरा की बालकनी में थिरकती हैं तो वो उनको देख के यूं ही मुस्कुरा देती है। घंटों अपनी बालकनी में बैठे अपने लगाए नए नए पौधों में आती नई नई पत्तियां देखती और चाय का प्याला लिए अपने पुराने टेप रिकॉर्डर में पंचम दा के गाने सुनती। मीरा अपने शहर की छोटी छोटी गलियों से निकलकर अब बड़े शहर के छोटे छोटे कमरों वाले अपार्टमेंट में पिछले 3 साल से खुद को एडजस्ट कर रही थी। बड़ी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी करके दूसरों की नजर से जो बच गए थे वो ख्वाब पूरे करने के ख्वाब देखती थी। अजीब है ना, जिनके खुद के ख्वाब टूट जाते हैं वो दूसरे के ख्वाब तोड़ने का जिम्मा अपने आप उठा लेते हैं। इन बड़े बड़े शहरों में ख्वाब भी बैंक लॉकर में ही सेफ हैं। खैर, मीरा के ख्वाब बेहद छोटे छोटे थे कि एक रोज उसकी किताब छपेगी, उसकी नज़में उसकी डायरी के पन्नों से बाहर निकलकर दूसरों के लव लेटर्स में अपनी जगह बनाएंगी, जैसे गालिब के शेर आज हर इश्क वाला अपने हबीब के सामने पढ़ देता है। उसका एक ख्वाब और था जो उसने किसी से नहीं कहा था, कि उसका लाइफ पार्टनर कोई आर्टिस्ट हो, पेंटर, राइटर, सिंगर, कोई भी, बस आर्टिस्ट हो। अलार्म, ये अलार्म क्यों बज गया? चल मीरा, उठने का वक्त हो गया। अकेले रहो तो अलार्म माँ का एक काम तो कर देता है। क्या पहनूं? ये धुला नहीं है, ये प्रेस नहीं है। आखिर में अपनी वही सलवार कमीज जिसमें प्रेस की जरूरत नहीं होती मीरा पहन के लड़ने को तैयार नीचे उतर गई। अरे, उसकी सुबह सुबह की पहली लड़ाई ऑटो वाले भैया से। वैशाली जाना है कितना? 70 रुपए, ऑटो वाला कहता है, और मीरा का पारा चढ़ जाता है। अरे 70 क्यों, कम से कम 150 तो लो ना। जिनको शर्म आ जाती वो मीरा को यूं ही चुपचाप बैठने को कह देते, और जिनको नहीं आती वो चढ़ के आगे चल देते। क्या सोच रहे हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है? अरे वो 2-व्हीलर ले लेती, आजकल तो सस्ते मिल जाते हैं। वो क्या है ना कि मीरा को ड्राइविंग नहीं आती, वो साइकिल भी कैंची ही चलाती थी, मगर कोई ये बात छेड़ दे तो बस वो शुरू। देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए, देखो कितना ट्रैफिक हो गया सड़क पे, पैदल चलना तो दूर, एक लंबी सांस लो तो पूरा पेट्रोल और डीजल अंदर चला जाता है। ये तो कम है, इससे ज्यादा भी सुनने को मिल सकता है। वैसे मीरा की जद्दोजहद यहां खत्म नहीं होती, फिर शुरू होती है ऑफिस की लिफ्ट में बेवजह की धक्का मुक्की, आंखों की कनखियों से होते अजीब गरीब इशारे। दूसरी मंजिल के ऑफिस में काम करने वाले लोग अपने आप ही लिफ्ट का बटन दबाना भूल जाएंगे और उसके साथ 6ठी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक 10:35 पे मीरा ने ऑफिस के रजिस्टर पे दस्तखत किए और दफ्तर में दाखिल हुई। मीरा, मीरा, ये गुड मॉर्निंग की जगह मीरा मीरा सुनना उसकी आदत हो गई थी। यह आवाज उसके बॉस की थी, देव। मीरा की माने तो वो बस नाम का ही देव था, बल्कि पूरा दानव था। जब से आया है सारा काम मीरा से ही करवाता है। मीरा के कानों ने फास्ट फॉरवर्ड में आज की टू डू लिस्ट सुन ली। अपना कंप्यूटर ऑन किया और सबसे पहले उसने फेसबुक खोला। अनिरुद्ध का कोई मैसेज है, कोई अपडेट। अनिरुद्ध कौन, मीरा का बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, वो होने वाला बॉयफ्रेंड नहीं, नहीं नहीं नहीं, वन साइडेड लव, अरे नहीं, इनफैचुएशन। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि जैसे तैसे मीरा अपने दफ्तर पहुंचती है और उसका बॉस उसको काम की लंबी लिस्ट पकड़ा देता है, जबकि उसका दिल तो फेसबुक पे अनिरुद्ध के मैसेज का इंतजार कर रहा है। अब आगे, व्हाट्स ऑन योर माइंड, ये फेसबुक भी बस दिमाग की बात पूछता है, दिल की नहीं। अरे उसको तो पूछना चाहिए व्हाट्स इन योर हार्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग तो अपने दिल की बातें ही लिखते हैं। मीरा तलवार इज वेटिंग, ये अपनी मीरा का आज का फेसबुक स्टेटस था। क्यों? क्योंकि उसके नए नए इन्फैचुएशन अनिरुद्ध का कोई मैसेज नहीं आया था। उस रोज तो बहुत बात कर रहा था कि कुछ काम है बताऊंगा, फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी खुद ही भेजी थी, और तब से लेके अभी तक सिर्फ एक बार ऑनलाइन आया है, और फिर भी ना हाय ना हेलो। अरे हेलो, आगे भी तो बढ़ो, कुछ हमारी पूछो, कुछ अपनी बताओ। मीरा दिल ही दिल में बड़बड़ाए जा रही थी।
मीरा को यूं तो प्रपोजल्स की कोई कमी नहीं थी। कभी कोई कॉफी के लिए पूछता तो कोई कहता ड्रॉप कर दूं, पर मीरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी। फिर अनिरुद्ध में ऐसा क्या था? कुछ नहीं, सांवला सा लड़का, बांस के पेड़ जैसा लंबा, बाल ऐसे जैसे नारियल का पेड़। पर वो सिंगर था, रॉक बैंड का लीड सिंगर, और मीरा को तो आर्टिस्ट पसंद थे क्योंकि शायद वो भी खुद को आर्टिस्ट समझती थी। ये बात अलग है कि उसकी लिखने की आर्ट अब तक उसकी डायरी में ही सीमित थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए एक हफ्ता हो गया था, पर अनिरुद्ध का कोई मैसेज उसके लिए नहीं था। वो इसी सोच में डूबी थी कि पीछे से कलीग की आवाज मीरा के कानों में पड़ी। 7 बज गए, पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, मुझसे पूछो, मीरा ने मन ही मन में कहा। पर पता नहीं क्यों जाते जाते उसको लगा कि एक आखिरी बार फेसबुक और खोल के देख लूं। और सचमुच अनिरुद्ध का मैसेज था, हाय, मैं जैसे ही ऑनलाइन आया वैसे ही तुम ऑफलाइन हो गई। मैं बात करना चाह रहा था, एक असाइनमेंट में मदद चाहिए थी। ये नंबर है, हो सके तो रिप्लाई करना। मीरा को जैसे शुरू की कोई लाइन दिखाई ही नहीं दी सिवाय एक के, ये नंबर है, रिप्लाई करना। और वो बस मुस्कुरा दी। अभी मैसेज करूं या कॉल? कॉल करना चेप लगेगा क्या? SMS ठीक रहेगा। हाय, दिस इज मीरा, फेसबुक पे तुम्हारा मैसेज देखा, बताओ क्या काम है। वैसे मीरा को ऑफिस से आने के बाद फोन करना पसंद नहीं था, पर आज तो वो हर जगह अपने फोन को लिए घूम रही थी। फिर वही रात है, फिर वही मीरा की रिंगटोन बजी, अनिरुद्ध कॉलिंग। उसकी धड़कनें मानो एवरेस्ट चढ़ने लगी। हेलो, हाँ हाय, मीरा ने कहा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ। अरे आप मत कहो यार, हम बराबर के हैं, अनिरुद्ध ने कहा। ओके, तो बताओ कैसा असाइनमेंट? अरे वो नेहा बता रही थी कि तुम फाइनेंस में हो और मुझको एक्सेल में दिक्कत है, मुझे लगा तुम मदद कर दोगी। एक्सेल, एक्सेलेंट, मीरा ने खुद से कहा और मुस्कुरा दी। ठीक है तो कल मिले, उसने अपना एक्साइटमेंट छुपाते हुए कहा। ओके। उस रात मीरा के जहन में कल होने वाली मुलाकात का प्रीमियर चल रहा था। क्या पहनना है से लेकर कैसे बैठना है, सब कुछ तय हो चुका था। और कल भी दरवाजे के नीचे से सरक के अखबार की तरह यूं ही आ गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने सुना कि मीरा का क्रश अनिरुद्ध अपने असाइनमेंट के लिए हेल्प मांगता है और मीरा खुशी से मिलने के लिए हाँ कर देती है। अब आगे। गुड मॉर्निंग, मीरा ने उठते ही खुद को गुड मॉर्निंग कहा और आज ऑटो वाले से बिना लड़े ही ऑफिस चल दी। देवसर आज मैं 5 बजे तक ही रुक पाऊंगी, जरूरी काम है। क्या काम है? मीरा को अपने बॉस से इस सवाल की उम्मीद पहले से ही थी। डॉक्टर के यहाँ जाना है सर, तबीयत थोड़ा खराब हो रही है। तो अभी घर चली जाओ, आराम करो। नहीं, मैं शाम को चली जाऊंगी। ये देव को क्या हुआ, इतनी जल्दी मान गया? अरे कुछ नहीं, तेरा टाइम अच्छा चल रहा है मीरा। फिर वो बस घड़ी के कांटे आगे बढ़ने का वेट करती रही। फिर वही रात है, अनिरुद्ध कॉलिंग। मीरा ने फोन उठाया और मखमल के कपड़े से भी मुलायम हेलो कहा। कब तक फ्री होगी तुम, अनिरुद्ध ने पूछा। 5। ठीक है, 5:30 मिलते हैं कॉफी ट्री पे। ओके। कॉफी हाउस में अनिरुद्ध उसका वेट कर रहा था। ऑरेंज टी शर्ट, ब्लू डेनिम, नाइस। मीरा को फॉर्मल कपड़े पहनने वाले लड़के पसंद नहीं थे, उसको तो कलरफुल लड़के पसंद थे। कॉफी, अनिरुद्ध ने पूछा। नहीं, चाय, मीरा ने कहा। तुम असाइनमेंट क्या है ये बताओ। फिर अनिरुद्ध ने अपना लैपटॉप खोला और मीरा से समझने लगा। तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले। ये अनिरुद्ध का फोन बजा था। बस आधे घंटे में फ्री हो रहा हूँ, फिर चलते हैं मूवी। मूवी? मीरा का दिमाग ठनका। उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो खुद से ही शुरू हो गया। अरे वो एक था टाइगर लगी है ना, वही देखने का प्रोग्राम है आज। ओह, जबकि वो मन में सोच रही थी एक बार झूठ मूठी मुझसे पूछ लेता चलने के लिए। तुम मिले तो जीना आ गया, अनिरुद्ध का फोन पिछले आधे घंटे में 4th मरतबा बज रहा था। बेबी बस 10 मिनट्स, मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। बेबी?
मीरा ने कुछ कहा नहीं, पर यह शब्द उसके दिमाग में 9 ग्रहों की तरह घूम गया। उससे रहा नहीं गया तो उसने मुस्कुरा के पूछ ही लिया, गर्लफ्रेंड? अनिरुद्ध हल्का सा शर्मा के बोला। मीरा को कस के बुरा लगा, मगर उसने दिखने नहीं दिया। सो ये हो गया, लेट्स गो, कुछ और हेल्प लगे तो बताना। दोनों ने हाथ मिलाए और मीरा वहां से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती ऑटो की तरफ चल दी। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था, पर इन बड़े शहरों में इतना शोर होता है कि दिल टूटने की आवाज कोई सुन ही नहीं पाता। वो घर आ गई। कितनी बेवकूफ है तू, कैसे सोच लिया कि एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का मतलब है वो तुझको लाइक करता है? इडियट कहीं की, इतना बच बच के चलती हो और अब खुद ही फंस गई। ये आर्टिस्ट लोगों की प्रॉब्लम होती है, जरा कोई अच्छा नहीं मिला कि बस इमोशनल हो गए। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी क्यों जब उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है? और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना मतलब आई लव यू थोड़े होता है। वो खुद से बातें करती, खुद ही जवाब देती, और कोई तो था भी नहीं जिससे वो ये सब कह पाती। अपने शहर की तो दीवारें भी दोस्त होती हैं, पर आए शहर में दोस्त भी दीवारों जैसे लगते हैं। तभी उसका फोन बजा, SMS था। इतनी रात को किसका मैसेज है? मीरा ने फोन उठाया, देव का मैसेज। अभी? हाउ आर यू नाउ? डॉक्टर ने क्या कहा? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि मीरा ऑफिस में तबीयत का बहाना बना के अनिरुद्ध से मिलने आती है, और वहां उसको पता चलता है कि अनिरुद्ध की जिंदगी में पहले से कोई है। मीरा का दिल टूट जाता है। ऊपर से उसका बॉस उसकी तबीयत का हाल जानने के लिए उसको SMS करता है। अब आगे कहीं देव को शक तो नहीं हो गया जो इतनी रात को मेरा हाल पूछ रहा है? नॉट वेल, कल ऑफ लूंगी, मीरा ने अपने झूठ को पुख्ता करने की कोशिश की। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? देव का रिप्लाई भी तुरंत आ गया, वायरल है, रेस्ट की जरूरत है। ओके, फिर टेक रेस्ट, गुड नाइट। देव सच में दानव से देव हो गया था। अगले दिन भी मीरा अनिरुद्ध के लगातार आते ख्यालों से दूर नहीं रह पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मीरा को उससे जन्म जन्मांतर वाला इश्क हो गया था, पर जो चीज चाहने पर ना मिले उसका मोह जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। फिर अचानक जी किया कि फेसबुक खोले, अनिरुद्ध की प्रोफाइल में जाके उसके फोटो देखे। ज्यादातर फोटोज में अनिरुद्ध विद वैभवी था। वैभवी कम, भैरवी ज्यादा लग रही है। कितना लाउड मेकअप किया है, यही पसंद है इसको, टाइम पास होगी और क्या। मीरा खुद को ऐसे ही झूठा दिलासा देते देते सो गई, और कल बस यूं ही दरवाजे पे लटकी दूध की थैली की तरह आ गया। मीरा देव से छुट्टी के लिए कहने के बावजूद ऑफिस पहुंच गई। सब इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अजीब है, जब खुद दर्द में हो तो कोई किसी भी बात पे हंसे तो लगता है हम ही पे हंस रहा है। कैसी तबीयत है अब? मीरा से उसकी कलीग ईशा ने पूछा। बेटर। पता है देव का प्रमोशन हो गया है, आज शाम पार्टी है, तुम चल पाओगी? सोचती हूँ, काम है मुझे। क्या काम है? देव ने पीछे से आते हुए कहा। वो घर के काम है कुछ, मीरा ने अपना झूठ अपने चेहरे में छुपाते हुए कहा। तो कल कर लेना, बहुत दिनों के बाद ऑफिस के सब लोग साथ होंगे, यू शुड कम। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मीरा ने एक और बहाना बनाया। तो मैं आ जाऊंगा लेने, देव ने कहा, और छोड़ भी दूंगा। अब मीरा फंस गई थी, क्या करती? ठीक है, मैं मुंडी हिला के आ गई। हेलो, हाँ मैं अगले 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊंगा, तुम तैयार हो ना? हाँ ठीक है, मीरा ने कहा, और फिर सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड में तैयार हो गई। मल्टी कलर की ड्रेस पहनी थी मीरा ने, ऐसा लग रहा था जैसे रात में इंद्रधनुष निकल आया हो। देव उसका वेट कर रहा था, और उसको सामने देख के एक पल को उसकी आंखें मीरा पे रुकी रह गईं। खुले हुए लंबे बाल जो हवा की वजह से बेपरवाह हो रहे थे, और बड़ी बड़ी आंखों में बस हल्की काजल की लकीर, मानो चांद पे आउटलाइन की हो। बेहद खूबसूरत लग रही थी मीरा। चलें? मीरा की इस आवाज से देव चौंका। हाँ, लेट हो रहा है वैसे भी। बाय द वे, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे, देव ने कहा। थैंक यू, मीरा बस ये कह के चुप हो गई। पार्टी में हर कोई देव से बातें कर रहा है, ईशा ने तो जैसे उसके बगल की जगह ही रिजर्व कर ली थी। देव इतना हंसता भी है, ऐसा तो पहले इसको कभी नहीं देखा।
मीरा ने सोचा। पर वो आया भी 6 महीने पहले ही था और इतने वक्त में ये कंपनी की पहली पार्टी भी थी। मीरा को देव का ये साइड अच्छा लगा। ऑफिस में जो किसी से बात तक नहीं करता, वो इतना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, सबका ख्याल रख रहा है। तभी ईशा आई और बोली, मैं जा रही हूं, तुमको घर छोड़ना क्या? मीरा कुछ बोलती इससे पहले देव ने जवाब दिया, नहीं रहने दो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ईशा ने गौर से मीरा और देव की ओर देखा और बाय बोल के चली गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक कहानी में आपने सुना कि अनिरुद्ध की जिंदगी में कोई और है और उस वजह से मीरा का मन खराब हो गया है और फिर न चाहते हुए भी ऑफिस की पार्टी में अपने बॉस के साथ उसको जाना पड़ता है और पार्टी खत्म होने के बाद देव उसको वापस घर भी ड्रॉप कर रहा है। अब आगे, तुम ज्यादा बात नहीं करती? देव ने ड्राइव करते हुए मीरा से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, बस तबीयत की वजह से, मीरा ने कहा। आज एंजॉय किया सबने? मीरा अब देव के हर सवाल का जवाब बस और हाँ में दे रही थी, इसलिए देव ड्राइव करता रहा, बस गाना लगा दिया, जाने क्या सोच के नहीं गुजरा। और अब मीरा ने पूछा, आपको पंचम पसंद है? हाँ, वो किसकी पसंद नहीं, देव ने कहा। नहीं, मेरा मतलब आज के टाइम में लोगों की पसंद काफी बदल गई है ना। मेरी नहीं, तुमको क्या पसंद है, देव ने पूछा। मुझको पंचम और गुलजार पसंद है। इसके अलावा? मुझको पहाड़ और पानी पसंद है, मुझको बारिश और सर्दी पसंद है, मुझको रात पसंद है, लाल रंग पसंद है, दाल चावल और भिंडी पसंद है। मीरा ने जैसे एक लय में अपनी बात कह दी और दोनों हंसने लगे। तुम्हें देख के जरा भी नहीं लगता कि तुमको ये सब पसंद होगा, देव ने कहा। तो वो तो आपको देख के भी नहीं लगता कि आपको शकीरा से ज्यादा किनारा के गाने अच्छे लगते होंगे। इतने महीनों साथ काम किया था पर आज मीरा ने देव से पहली बार इतनी बातें की थी। सुबह जब दफ्तर पहुंची तो डेस्क पे पंचम का सीडी कलेक्शन रखा हुआ था। मीरा ने देव को थैंक यू कहा। उसी दिन से उसका काम भी अपने आप कुछ कम हो गया और मीरा को देव की आंखों में कुछ और भी नजर आने लगा था। कुछ ही दिनों बाद जब वो शाम को घर निकल रही थी तो देव ने पूछा, मैं उसी तरफ जा रहा हूं, ड्रॉप कर दूं? नहीं, मुझे काम है रास्ते में। मीरा इतनी बेवकूफ तो नहीं थी कि ये समझ ना सके कि देव उसमें दिलचस्पी लेने लगा है। देव अच्छा लड़का है, वेल सेटल्ड भी है, पर वो आर्टिस्ट टाइप थोड़े है। फॉर्मल्स पहनता है, क्लीन शेव, बिल्कुल मैनेजर टाइप। अरे वो उसकी पोइम्स थोड़े समझ पाएगा, और सबसे बड़ी बात वो बॉस है। नहीं नहीं नहीं, मीरा फिर देव से कट कट के रहने लगी थी। जल्दी ऑफिस जाती और जल्दी ही घर चली जाती। फिर देव ने एक दिन पूछ ही लिया, तुम मुझको अवॉइड कर रहे हो क्या? मैं? नहीं तो, मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, मुझे लगा कि जब भी मैं तुम्हारे आसपास जाता हूं तो तुम बहाना बना के वहां से चली जाती हो। मीरा चुप हो गई। क्या बात है, बताओगी? और देव ने मीरा के कंधे पे हाथ रख दिया और बस मीरा का बांध टूट गया। वो बोल पड़ी, देखिए देव सर, बात इतनी सी है कि आई डोंट लाइक यू, मतलब ऐसे नहीं पर वैसे आई डोंट लाइक यू। देव चौंका, तुम्हें किसने कहा कि आई लाइक यू? अरे आप एकदम से इतने फ्रेंडली हो गए। हाँ तो इसमें गलत क्या है? तुम अकेली रहती हो, बीमार थी, मुझे लगा तुम्हें एक दोस्त की जरूरत होगी। हाँ पर दोस्त एकदम से सीडी गिफ्ट नहीं करते। रियली? देव ने कहा। अब मीरा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने बस आई एम सॉरी कहा और चली गई। एक के बाद एक गलती, तुझे हो क्या रहा है? तू क्या समझती कि दुनिया तेरे ही पीछे पागल है? मीरा को अपनी नासमझी पे गुस्सा आ रहा था और उससे ज्यादा उसको डर लग रहा था क्योंकि देव उसका बॉस था। अब उसने खुन्नस निकाल ली तो? तभी SMS की जोर से आवाज आई और वो उसकी ग्लानी से टकरा गई। देव का नाम देखते ही धड़कन पैसेंजर से राजधानी हो गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक कहानी में आपने सुना कि कैसे मीरा को गलतफहमी हो जाती है कि उसका बॉस देव उसको पसंद करने लगा है और वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देती है। इस पे देव से उसकी बहस होती है और मीरा को एहसास होता है कि वो तो उसको सिर्फ दोस्त समझ रहा था। और उसी रात फिर उसका मैसेज आता है। अब आगे।
मैसेज में देव ने लिखा था, मुझसे फ्रेंडशिप करोगी और आगे हा 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 हा। मीरा ने भी एक स्माइली बना के भेज दिया और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। वही दफ्तर, वही काम, वही देव, पर वही मीरा नहीं थी। वो अनजाने ही देव की छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगी थी। पहले उसके जिन जोक्स पे उसको गुस्सा आ जाता था, अब उन पे वो खिलखिला के हंस देती थी। कोई देव की बुराई करता तो वहां से उठ जाती वो। देव उसके साथ नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा अच्छा था। कभी घर ड्रॉप कर देता, कभी कॉफी के लिए पूछ लेता, कभी घड़ी देख के कहता सर्दियां आ गई हैं, ज्यादा अंधेरा मत होने दिया करो, और मीरा को ये अच्छा लगता। ये फ्रेंडशिप है या प्यार? नहीं नहीं, प्यार ऐसे थोड़ी होता है। प्यार होता है तो कमरे का बल्ब भी आसमान का चांद लगने लगता है, अल्फाज नहीं गजलें बोली जाती हैं। पर मुझको तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मीरा मीरा, ये इतनी देर से तू हर बार गलत कैलकुलेट की हुई शीट क्यों मेल कर रही है? ईशा की आवाज से मीरा चौंक गई। अच्छा, शायद कंप्यूटर दिक्कत दे रहा है, मीरा ने बात को रफा दफा करने के लिए कहा। ये हो क्या रहा है, ध्यान कहाँ है तेरा? मीरा खुद पर झुंझलाई। पहले बैलेंस शीट में गड़बड़, फिर सैलरी स्लिप में गलत अमाउंट, अब ये? देव, मीरा ने देव के पास जाके कहा। हाँ बोलो। मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, आई एम नॉट वेल, मीरा ने कहा। ले लो, पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, मतलब कुछ ठीक नहीं है, बस छुट्टी चाहिए। ठीक है, देव ने कहा। मीरा ने छुट्टी शायद ये जानने के लिए ली थी कि कल तक जो उसको फूटी आंख नहीं सुहाता था, क्यों आज उसकी आंखों में हर वक्त उसका ख्याल पहरा दे रहा है। वो कब आता है, कब जाता है, किससे, कैसे, कितनी बातें करता है, फोन का हलो तक। पहले ऑफिस आने से डर लगता था, अब छुट्टी से लगता है। पहले अकेलेपन से चिड़ मचती थी, अब अच्छा लगता है। पहले कुछ भी उठा के पहन लेती थी, आजकल तैयार होने के लिए एक घंटा पहले जागती हूँ। दिन में कितनी बार फेसबुक पे फोटो देखती हूँ, फोन का इंतजार करती हूँ, उससे बात किए बिना फ्यूचर के प्लान्स बनाती हूँ। और वो भी क्यों उससे खाने के लिए पूछता है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। उस रोज जब सड़क पे साथ चल रहे थे तो क्या जरूरत थी दाईं तरफ करके खुद सड़क के किनारे चलने की? क्या जरूरत थी जब ऑफिस का वीरेंद्र मुझको घूर रहा था तो उसको बहाने से बाहर ले जाने की? और सबसे बड़ी बात, क्या जरूरत थी मेरा बचा हुआ काम करवाने की, जबकि उसका खुद इतना काम बचा था। 3 दिन की छुट्टी ली थी मीरा ने और आज दूसरा दिन था। देव का कॉल आया। कैसी है तुम्हारी तबीयत? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? देव ने कहा। सब अजीब सा हो रहा है। अरे कुछ खुल के बोलोगी? वो एक पल के लिए चुप हुई और फिर यकायक बोली, तुम अपना ये बर्मन का सीडी कलेक्शन अभी के अभी मेरे घर से ले जाओ। क्यों? देव ने बहुत ही संभल के पूछा। अब वो बात को कुछ कुछ समझ रहा था। बस मुझसे अब सुनी नहीं जाती। और देव को उसकी आवाज में आंसुओं का कंपन सुनाई दे गया था। कुछ देर कोई नहीं बोला। वो जानता था कि वो अभी रो रही है। और फिर देव ने बड़े प्यार और लाड़ से कहा, वापस करने की क्या जरूरत है, चाहो तो हमेशा के लिए रख लो। वैसे भी कोई बर्मन का सीडी कलेक्शन सिर्फ दोस्ती में थोड़े देता है। बस इतनी सी थी कहानी।